अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और चले चलते आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरी मामा बनाने लगी हैं वर्ल्ड की बेस्ट फ्राई फिश, जो मुझे उनके हाथ की बहुत पसंद है अपने हाथों से। तो ये तकरीबन 6 फिले हैं और ये हाफ़ के जी फ़िश होगी, जिसमें हमने डाली है रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून से कम है, मतलब थर्ड पार्ट होगा, और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट डाला है। साथ में इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन वन टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, आप देख सकते हैं वीडियो में। और साथ में बेसन डालेंगे तकरीबन 4 to 5 स्पून, क्योंकि हमें हल्का सा कोट करना है, इतना ज़्यादा कोट नहीं करना। और साथ में डालनी है थोड़ी सी 2 लेमन स्क्वीज किए थे हमने अच्छी तरह से, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, वर्ल्ड की बेस्ट थी ये फ्राइड फिश जो मेरी मामा ने हमारे लिए बनाई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तकरीबन आप अगर आपके पास एक मीडियम लेमन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये 2 छोटे थे तो इसलिए हमने 2 डाले थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हमने तो उसको फ़ौरन पका लिया था तकरीबन 15 मिनट्स के बाद, लेकिन आप उसे तकरीबन 1-1.5 घंटा मैरिनेट करें, 1 घंटा एटलीस्ट। और साथ में हमने ये डाला था थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, और सारा 4th पार्ट ही डाला था हर चीज़ का, जाते हमने मिक्स करके तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको रहने दिया था। उस देर में हमने नगेट्स को फ्राई कर लिया था। हमने प्रॉपर कोटिंग नहीं करनी इसकी, जस्ट थोड़ी सी लेयर ऊपर लगानी है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे बहुत पसंद आई थी। और साथ में मैंने जब ये मछली ली थी तो इसमें 1 ही कांटा था, तो इसके फिर मैंने फिले बनवा लिए थे। और थोड़ा सा और बेसन डाल ली तकरीबन 5 टेबल स्पून इस इनफ, आपने इसकी प्रॉपर तो कोटिंग करनी नहीं है, सिर्फ जस्ट मिक्सिंग के लिए ऐड करना है। तो आई थिंक 5-6 पीसीस थे तो 5 के लिए इनफ होगी। और थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड किया, आपने सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। तो बहुत ही यमी बनी थी एंड थैंक यू माय चॉइस जो मैंने ये फिश वो ली थी। तो अभी हमने नगेट्स भी फ्राई कर ली। फर्स्टली हमने नगेट फ्राई की थी क्योंकि फिर अगर हम फिश फ्राई करते पहले तो फिर उसकी स्मेल इसके अंदर चली जाती, इसलिए हमने नगेट्स फ्राई की थी। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप दोनों चीज़ों की फाइनल लुक, दोनों होममेड थे। नगेट्स मैंने बनाए थे और जो ये फिश है ये मेरी मामा ने बनाई थी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। और अभी हम बाहर चले गए थे और मेरी मामा सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर वापस चली गई थी सियालकोट। एंड देन आई होप कि आपको मेरा आज का ये मिनी सा मामा की वर्ल्ड बेस्ट फ्राई फिश वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।